जिनको अपनी बात रखनी है वो अपनी तरीके से रखें, किसी के बहकावे में आके नहीं करें, और उसकी मूल मंशा सरकार की क्या है उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए ही किसी प्रकार का कोई कदम उठाए। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार और चाहे प्रदेश की सरकार, प्रदेश की और देश की जनता के विकास के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और उसी प्रतिबद्धता के साथ ये दोनों सरकारें कार्य कर रही हैं। पहली बार आपने कोई बयान सुना होगा कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि दोनों सरकारें बड़ी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मैंने इसको कांग्रेस और बीजेपी समझा, लेकिन आप समझिए केंद्र और प्रदेश की सरकार। लेकिन जो चेहरा था उसके पीछे के चेहरों को देखिए जरा, एक ज्योतिबा फुले जी थे और दूसरे पंडित दीनदयाल जी। दोनों में से कोई ये नहीं चाहता था कि देश के अंदर ये सब कुछ हो या इस तरीके से हो। शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले जी ने बहुत काम किया, और आज अफसोस देखिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, विश्वविद्यालय बंद, सब कुछ बंद। दीपक भाकर जी, सर आइडियोलॉजी एक अलग चीज है और वोट बैंक एक अलग चीज है। मान लिया जाए कि आइडियोलॉजी बहुत पीछे रह गई और वोट बैंक के चक्कर में देश में आग भी लगेगी तो चलेगा? देखिए, इस बात के लिए जैसा भी आपने सुना ही, हमारे वक्ता ने आपको स्पष्ट किया है, वोटों की राजनीति का खेल एक गंदा खेल पिछले 70 सालों से इस देश में चल रहा था। सामाजिक समरसता और जातीय वैमनस्य को, इन दोनों को अलग करके जब इस समय पार्टी आई, सरकार आई, तो केंद्र और राज्य सरकार में बहुत ही अच्छी सरकार चल रही। अच्छा सर, मैं अपना सवाल वापस ले लेता हूं, सर वापस ले लेता हूं। मैं सियासतदानों से ना जाने क्यों वोट बैंक पर सवाल करता हूं। नहीं, मैं आपको मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि 70 साल पीछे चले जाते हैं अचानक। आप 2 तारीख की घटना से लेकर 10 तारीख तक पिछले 8 दिन के अंदर एक षड्यंत्र खेला गया है, एक राजनीतिक एक चाल खेली गई है, जहां पे मोहरा बने हैं एक आम जनता। बीजेपी फंस गई? बीजेपी नहीं फंसी है, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया। फंसे वो लोग हैं जो स्पष्ट हो गए, जिनका जो बेनकाब हो गए, जिनका चेहरा जनता के सामने आ गया। जनता का जो 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 मैं सुनी मेरी बात पूरी, फंसी तो जनता है। जो जो ट्विटर पे बोलते हैं कि हम इन सब चीजों को सलाम करते हैं, आप जानते हैं मेरा किस सीधा राहुल गांधी को जी बिल्कुल, उस दिन वो सलाम करते हैं, फिर उनको लगता है उनसे गलती हो गई है, उस सबके सामने उनका चेहरा उजागर हो गया, फिर वो एक उपवास का नाटक। सर मैं आपसे विद रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, मैं आपसे विद रिस्पेक्ट कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी का जिक्र कीजिए सर, बेवकूफ बनाने की कोशिश। अच्छा सर बताइए मुझे, आपने 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 गले में जो डाला है, जब आप बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं, आपने गले में जो डाला है दीपक भाकर जी, था कि जब सरकार को पता था कि 10 दिन से ये सब कुछ चल रहा है, तो क्यों नहीं उसको रोक लगाई गई, क्यों नहीं ट्रेस किया गया कि कौन व्यक्ति है जो भारत बंद करवाना चाहता है, क्यों नहीं ट्रेस किया आप लोगों ने? सरकार आपकी सिस्टम आपका केंद्र में और प्रदेश में सरकार आज भी एविडेंस, और इसके बाद 10 दिन हो गए, 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 8 दिनों में जो दोबारा बंद कॉल हुआ उसको क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया, जो दूसरा कॉल हुआ उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? आपने सरेंडर कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया, और आपने स्वयं ने भारत बंद किया, आपने धारा 144 सामने लगाई, और आपने भारत बंद का समर्थन यानी सरकार शामिल थी, सरकार शामिल हुई भारत बंद में, सरकार ने भारत बंद को समर्थन दिया, और अपने अधिकारियों को, अपने शासन तंत्र को जान चुकी है, वो जान चुकी है। 144 ठीक है दीपक भाकर जी, रुक जाइए लोकेश जी, रुक जाइए लोकेश जी, रुक जाइए लोकेश जी, रुक जाइए दीपक भाकर जी, दीपक भाकर जी, ठीक है आप लोग करते हैं, ठीक है मैं कहता हूँ दोनों ने किया है, एक दूसरे को मैं सही मान लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों ने किया, ठीक है लोकेश भाई रुके जरा, दीपक भाकर जी प्लीज रुकिए, सर दोनों सही, ठीक है दोनों सही, मैं मानता हूँ दोनों सही, ठीक है लोकेश भाई जो कह रहे हैं वो भी सही और दीपक भाकर जी जो कह रहे हैं वो भी सही। तो अंतर इसका ये हुआ कि दीपक भाकर जी जो कह रहे हैं उनके मुताबिक वो सही और लोकेश जी जो कह रहे हैं उनके मुताबिक वो सही, यानी कि जो आगजनी हुई है और जो सब कुछ हुआ उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन दीपक भाकर जी, मैंने सवाल किया कि सर आपने जो गले में डाला है ये लाल रंग नजर आ रहा है या भगवा रंग है? सर देखिए, इसमें लाल भी है हरा भी है, हम तो दोनों रंग से जनता का चेहरा लाल है आज। देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज आपने इनके यहाँ तो बटाला एनकाउंटर में आंसू आ जाते हैं इनके एक नेता को, और ये फूट फूट के रोने लग जाती हैं और धुआंसे हो जाते हैं। अगर आज जाति धर्म में अगर आतंकवाद तक कोई किसने रंग में बांटा है तो कांग्रेस सरकार ने बांटा। बीजेपी की बात हो सकती है, मैं आपका डेजिग्नेशन बदलवा के हमारे सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कल भी, अच्छा ठीक है एक नया सवाल मैं करता हूँ, ठीक है दीपक भाकर जी, क्या प्रवक्ताओं को बीजेपी में ट्रेनिंग दी जाती है कि जब सवाल बीजेपी के बारे में किया जाए तो फिर कांग्रेस के बारे में जवाब देना है?
ये ट्रेनिंग है सर, मैं क्लियर कर लेते हैं ना, स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी मैं आपसे बीजेपी को लेकर सवाल करता हूं आप कांग्रेस के पर्चे उखाड़ने लगते हैं। जनता को जानने का अधिकार है सर, जनता को यह भी तो जानने का अधिकार है कि प्रदेश में सरकार किसकी है। मैं यही आपको बताऊं, प्रदेश में सरकार किसकी सर, पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रदेश में सरकार किसकी है, सरकार ने उस समाज के लिए, प्रदेश में सरकार किसकी है, तभी तो हमने सर प्रदेश में सरकार किसकी है, तभी तो आपको बताया लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजबूर कर दिया सरकार को, उचित कदम रखता। अच्छा सर ठीक है, ठीक है, आपने समझाई, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना सर, सुनिए सर, साजिश के नहीं, सरकार की तरफ से कोई बोल नहीं है, बताइए सर, सरकार की तरफ से कोई बताइए। दीपक भाकर जी, लोकेश लोकेश प्लीज रुकिए, पूरी बहस खराब हो जाएगी, लोकेश रुकिए सर, दीपक भाकर जी, दीपक भाकर जी, जनता को बताइए कौन लोग थे पीछे जिन्होंने आगजनी की, जिनकी वजह से 15 लोग मरे, और उसका भी जिक्र कीजिएगा जो मध्य प्रदेश से है और जो बीजेपी के नेता है और जो बंदूक चला रहे थे, वो कौन थे? अगर हम आज की बात राजस्थान की बात करता हूं तो अजमेर जिले के अंदर स्पष्ट है, पूर्व विधायक पूर्व मेयर एक कंट्रोल रूम चला रहे थे, वहां पे ऑन कैमरा है सर, ऑन कैमरा है या नहीं ये बताइए मुझे। उनको अरेस्ट किया गया है, उनकी धारा, उनकी अवेलेबल, उनकी बेल हुई है, वो बाहर आए, पर ये सबकी सबने अपनी आंखों से देखा है उस शहर के अंदर कि जो नंगा नाच किया गया उसके पीछे कौन लोग थे, वो बेनकाब हुए। कर बोलिए सर, नाम के साथ बताइए ना, आपको बता रहा हूँ, विधायक और पूर्व मेयर जी, बिल्कुल मैं अब आपको बता रहा हूँ, पूर्व विधायक पूर्व मेयर ऑन कैमरा देव, बीजेपी के या कांग्रेस के जी, ये सारा काम तो कांग्रेस वाले लोग ही करते हैं, तो स्वाभाविक है वही लोग थे, वही हैं, क्योंकि ये उन लोगों की नियति रही। ठीक है, लोकेश जवाब दीजिए, शांतिपूर्वक काम हो रहा है तो कांग्रेस की हमेशा की नीति रही है। लोकेश जवाब दीजिए, हम एक लोकेश जवाब दीजिए, क्या सही है? देखिए पूरे तरीके मेरे पास एविडेंसेस है, और अभी भी आप चाहे तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि 10 दिन से जो चीज चल रही थी, पहले आपने 2 तारीख को बंद होने दिया और उसके बाद आपने 10 तारीख को बंद स्वयं ने करवाया, सरकार ने स्वयं ने बंद करवाया और समर्थन दिया, क्यों नहीं इस प्रदेश और देश की जनता के साथ आप खड़े हुए कि नहीं हम आपके साथ हैं, ये कौन लोग होते हैं जो इस देश को बंद करेंगे? आप ये बता दीजिए कौन होते हैं? सारी व्यवस्था में उस समय जो नेता सब लोगों को प्रदेश और देश के लोगों की बात कही है, क्यों नहीं है जो कहता है कि हम ये काम करेंगे, साथ में खड़े कौन है जो नाटक कर रहा है, कौन है कांग्रेस का समर्थन था या नहीं था? दीपक रुक जाइए, दीपक जी प्लीज प्लीज सर प्लीज, लोकेश कांग्रेस का समर्थन था? कांग्रेस सलामी तो थी, कांग्रेस ने दलित भाइयों की समस्याओं को लेकर, दलितों ने जिस तरीके का एक, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को आजादी है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध का प्रदर्शन करे, हिंसा की आजादी किसी को नहीं है, लेकिन अगर दलित भाई अपनी किसी समस्या को, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को और अपनी मांग को लेकर जायज रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस हमेशा उनके साथ रहेगी। लोकेश अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दलित भाई भी सही है, दोनों में से कोई एक तो गलत होगा। देखिए दलितों को भड़काया गया, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, कि दलितों को यह कहा गया कि आपका आरक्षण छीन रहा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भड़काया, अच्छा आपका आरक्षण छीना जा रहा है, ठीक है ठीक है, उस बात की ठीक है, जनता समझती है, सर जनता समझती है, लोकेश जानकारी नहीं, अच्छा ठीक है कि ये आरक्षण लोकेश का मामला नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आरक्षण से सुनिए जरा, कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 10 दिन पहले तो आपको भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, और 10 दिन पहले कांग्रेस की सोशल मीडिया में भी चल रहा होगा कि 2 अप्रैल को दलित बंद करने वाले इन लोगों ने किया, किया? या आप सोशल मीडिया से बाहर हैं, ऐसा तो होगा नहीं, तो जब आपको ये लग रहा था कि अफवाह फैलाई जा रही है, कांग्रेस ने उनको सही क्यों नहीं समझाया, क्यों समर्थन दिया? ये काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, विजेंद्र जी आग लगाने वाले ये लोग, दोनों पार्टियों का समझ में आता है, ठीक है, आग लगाने वाले ये लोग, आग बुझाने का काम कैसे कर सकते हैं? क्या मैं अपने पूरे इस प्रोग्राम को 2 शब्दों के इर्द गिर्द घुमा रहा हूं जी। और वो 2 शब्द हैं भारत बंद जी। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ हम कहते हैं कि भारत इतना विस्तृत है, लगभग 125 करोड़ आबादी है, और फिर 125 लोग भी नहीं होते हैं कई जगह, वो भारत को बंद कर देते हैं, मानो कोई दुकान हो शटर गिरा दिया हो। देखिए ये बहुत निंदनीय है, और मैं बोलना चाहूँगा जैसे लोकेश भाई ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है, लेकिन 2 तारीख को जैसा आंदोलन सर, हुआ, सम्मान तो सब करते हैं, मैं तो समर्थन की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ भाई सोलंकी जी, कि जिस तरीके से आंदोलन हुआ और हिंसक हुआ, उसके बाद इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले दिन मेन पेज पे कहते हैं कि मैं सलूट करता हूं ऐसे आंदोलनकारियों को, तो इनका चेहरा कहीं ना कहीं बाहर आता है। मैं बात मैं आपके बीच में नहीं बोला था लोकेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप गलत तथ्य बोलेंगे मैं ठोकूंगा आपको। आपकी जानकारी है राहुल गांधी जी ने
राहुल गांधी ने सैल्यूट किया है, राहुल गांधी ने सैल्यूट किया है, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, लेकिन वो 2 तारीख को सुबह 8 बजे का ट्वीट है, हिंसा के बाद अगले दिन का नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए, वो एक दिन पहले का है, आप अखबार में, और अभी ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, ठीक है, करण, बीजेपी क्यों खड़ी हुई, करण भाई, करण भाई, करण भाई, अच्छा सुन तो लीजिए जरा, वो ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, करण भाई, बीजेपी क्यों खड़ी देश में, अभी देश में अभी इतनी क्रांति नहीं आई है, कांग्रेस खड़ी होती, ठीक है, करण भाई जी कहां गायब थे, ठीक है, करण भाई, करण भाई, देश में अभी इतनी क्रांति नहीं आई है, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई है कि सुबह कुछ कहा जाए और उसी दिन अखबार में छप जाए, इतनी नहीं आई अभी क्रांति, मैं कह रहा अगर अखबार में आज छपा है तो यकीनन वो कल की खबर, सुबह 8 बजे कौन सा आंदोलन हो गया था विजेंद्र भाई, सुबह 8 बजे कौन सा आंदोलन शुरू होता है 10-11 बजे बाद, इतना हिंसक आंदोलन तो शाम को और कुछ लिखते कि मेरी गलती हो गई, और कह रहे हैं कि बीजेपी आज क्यों खड़ी नहीं हुई आम आदमी के साथ, किस किस के लिए मांगे, उपवास के दौरान छोले भटूरे के लिए, पिस्ता के लिए, किसके लिए गलती मांगे, बीजेपी भरोसा दिलाती के दो पहलू, ये सही कहा, ये सही कहा, ये सही कहा, ठीक है गिरधर जी, गिरधर जी, क्या वाकई में आप, ठीक है गिरधर जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि दो पार्टियां एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और ये भी जानती हैं कि सियासत किस तरीके से करना है, बस जनता ये नहीं समझ पा रही है कि जाना किधर है, इसलिए कभी घर में कैद हो जाती है, कभी गाड़ियों में कैद हो जाती है, कभी अपनी गाड़ियां फुड़वा लेती है, और फिर शब्द इस्तेमाल होता है भारत बंद। जी जो बहस चल रही है ये सार गर्भित होनी चाहिए, केवल एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगा करके और समय की बर्बादी हो रही और कुछ नहीं हो रहा, कोई सार गर्भित बात हो कि ये जिस प्रकार की अराजकता हो रही है ये आगे ना हो, ये अराजकता जातिवाद के नाम पर क्यों होती है, इसकी जो मुख्य जड़ है बीमारी की वहाँ हमको जाना चाहिए। अब भी जो हुआ बात हो रही है 2 तारीख और 10 तारीख की, 2 तारीख को जो हुआ वो ये हुआ, मैं आपको विजेंद्र जी एक छोटी सी बात, मैं आपको मेरे ऊपर अपना निजी उदाहरण आपको दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना सा कहा कि SC ST जो एक्ट है जो झूठे मुकदमे करवाए जाते हैं, एक ब्लैकमेलिंग जो चल रही, मैं खुद उसका शिकार हुआ, छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कॉलोनी में कुछ गुंडे आए किसी मकान पर कब्जा करने के लिए, मैंने पुलिस बुलवा करके उनको भगवा दिया, उनके पास में वो एक मेरे ऊपर झूठा मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया जातिवाद के नाम पर, जबकि जिस आदमी ने मुकदमा दर्ज किया मेरे खिलाफ उसने कभी मेरा घर ही नहीं देखा, वो तो अच्छा हुआ कि SP साहब ने उसकी जाँच करवाई और बात सामने, सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही तो कहा, इसमें क्या गलत कह दिया, और जिसके ऊपर इतना अन्याय किया गया, इतनी गुंडागर्दी है, ये लोग कौन है, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं ये दलित लोग नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं कि देश में किसी भी धारा के अंदर जी जी ये बता दीजिए 100% कौन से मुकदमे सही होते, नहीं भी होते, कोई भी बता दीजिए, लेकिन जो राजनीति होती है ना जातिवाद के नाम पर जो राजनीति होती है, राजनीतिक पार्टियों के पास में राज करने का एक हथियार बन गया आरक्षण। सर भारत बंद क्या है ये जानना चाहते हैं, क्या है भारत बंद? एक गुंडागर्दी को छोड़कर के और कुछ नहीं, आपको अपना विरोध दर्ज करवाना है आप सड़क पर निकलिए, आप मोर्चा निकालो ना, आप झंडा लेकर के नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन दुकानें बंद क्यों? दुकानें बंद करना ये गैर कानूनी होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये गैर जमानती वारंट निकल होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पूरे देश के अंदर आंदोलन करना है तो करिए ना, आप सड़कों से निकलिए, शांतिपूर्वक निकलिए, नारेबाजी करनी है नारेबाजी कीजिए, आपके इर्द गिर्द की जनता आपको पानी पिलाएगी गर्मी का मौसम, उनके साथ तोड़फोड़ तो ना करिए, और अगर ये सब कुछ होता है तो फिर कैसे कहा जाए कि जनता की सुरक्षा के लिए धारा 144 लगा दी गई, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, ये तो सीधा सीधा डर है, डर इस बात का कि कहीं सरकार के हाथ से सुरक्षा निकल ना जाए और जनता के साथ कुछ अनहोनी हो ना जाए जिसका खामियाजा भुगतना पड़े, तो क्या डर कर सरकार ये सब कुछ कर रही है और चंद लोगों के सामने सरकार ने घुटना टेक दिया, सोशल मीडिया के सामने घुटना टेक दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द मजाक बन चुका है, आज स्थिति हो गई कि कभी कांग्रेस बंद करवा रही है, कभी बीजेपी बंद करवा रही है और जनता पिस रही है, बाकी इन्होंने बिल्कुल मजाक बना रखा है, केवल वोट बैंक के अलावा इनको कोई देश की चिंता नहीं है, इनको केवल अपनी रोटियां सेकने की चिंता है, इनको जातिगत आपस में लड़ाने का वो बना रखा है इन्होंने, बाकी स्थिति बहुत खराब कर दी है इन लोगों।